महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाने के लिए रविवार को वाल्मीकि समाज में गजब का उत्साह देखने को मिला और रुक रुक कर हो रही वर्षा में समाज के लोगों ने भजन संकीर्तन के साथ प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी का स्थान स्थान पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस प्रभात फेरी में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुईं। वाल्मीकि महाराज एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने राम के जीवन की गाथा, राम के जीवन से लगभग 10,000 साल पूर्व लिख डाली थी। साथियों, ऐसे त्रिकालदर्शी जो तीनों लोकों को जानने वाले थे, जिन्हें भूत का भी, भविष्य का भी, वर्तमान का भी ज्ञान था, ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान स्वामी भगवान वाल्मीकि महाराज जी को हम नमन करते हैं। साथियों, भगवान वाल्मीकि महाराज जी के उपदेश, भगवान वाल्मीकि महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर हम चलें और उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके सिखाए हुए मार्ग पर, उनकी काव्य आधार पर जो उन्होंने रामायण की रचना की है उसके आधार पर हम चलें। मैं सभी देशवासियों से और राष्ट्रवासियों से, सभी अपने धर्म प्रेमियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सब बहुत प्यार से आज का पर्व बनाएं। महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव पर रविवार की भोर में चंद्र सिंह गागड़ा, मोनुकांत, हरिया पंडित, चेतन जैनवाल, अमन गागड़ा, अमरदीप चार्ली, सोनू लोहट सहित सैकड़ों लोग, महिलाएं और बच्चे सिकंदर गेट वाल्मीकि मंदिर पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। प्रभात फेरी सिकंदर गेट से भजन संकीर्तन के साथ शुरू हुई और मेरठ गेट, गोल मार्केट से होते हुए अतरपुरा के वाल्मीकि नगर में विश्राम किया।